गो तस्करों के हौसले दिनों दिन बुलंद होते जा रहे हैं और वो गो रक्षकों और पुलिस पर भी फायरिंग करने में गुरेज नहीं कर रहे। एक बार फिर पानीपत में पुलिस ने गोवंश से भरा कंटेनर का पीछा किया। पुलिस को पीछे आते देख तस्कर गोवंश से भरे वाहन को छोड़कर फरार हो गए। वहीं पुलिस ने एक तस्कर को पीछा कर पकड़ लिया, जबकि दूसरा फरार होने में कामयाब रहा। बजे के लगभग पंजाब की तरफ से कंटेनर आ रहा जिसके अंदर गोवंश है, तो हमने तभी पहले टोल टैक्स पे नाका लगाया था, तो वहाँ से तोड़ के भाग गया। फिर हमने संभाल का नाका लगाया, फिर संभाल का इसको रुकने का इशारा किया, टेडी में डिले का रहा था, वहाँ इशारा किया तो इसने हमारे ऊपर गाड़ी चढ़ा दी होती थी। तो संभाल का फ्लाई और ऊपर जाने के बाद ये गाड़ी संभाल का फ्लाई और के ऊपर चली गई, तो ये बीच में गाड़ी छोड़ के भाग गए। दो तस्कर थे उतर के वे रॉन्ग साइड पानीपत की तरफ भागने लगे, तो हमने फिर दोबारा उनका पीछा करके वो ऑटो में बैठ के उस क्रस गांव के पास उतर के जाके, तो मैं इकला था बाइक पर, बाइक मैंने छोड़ कर एक तस्कर के पीछे लग गया और दूसरा था वो गोली चला के खेतों की तरफ भाग गया, तो यहाँ लग गया। आप कितनी टीम के सदस्य थे टोटल? आपकी हम 4-5 थे। एक गाड़ी में गुरुस पीछा कर उसी बात की सर भेजना कब नहीं कर लॉक कर दिया था छोटा गया। सर ये किस टाइम की बात घटना है? इस बात कितने गो तो गो तस्कर भी पकड़ा गया? कितने बारे में जांच कर रहे हैं? कितने गो तस्कर पकड़े गए सर? अभी जांच कर रहे हैं। पकड़े कितने के? अभी जांच कर रहे हैं। सर है ये 7 दिन में जो पानीपत की गोरक्षा दल की टीम है या नई पहल के सदस्य उन्होंने मिलकर के पिछले 7 दिन में ये दूसरा कंटेनर पकड़ा है। इसमें 21 गोवंश थे जो पंजाब से उठा करके काटने के लिए इनको यूपी में ले जा रहे थे। तो मैं पानीपत की जो गोरक्षा दल की टीम है या दूसरे संगठन है गोवक सबको बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक बड़ी सफलता प्राप्त की है, क्योंकि हरियाणा में वैसे तो गोवध को लेकर के कानून को लेकर के भी सबसे सख्त कानून देश में बनाया हुआ है, लेकिन निरंतर हरियाणा के अंदर मेवात में गो हत्या जारी है, गो तस्करी जारी है। तो प्रशासन को और सरकारों को देश में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये राम और कृष्ण का देश है। श्री कृष्ण जी ने गाय चराई और गाय का पालन किया, तो हम सरकार से मांग करते हैं, सीएम साहब भी आ रहे हैं आज शहर के अंदर, हम मांग करते हैं कि गो तस्करी पर पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए। जो गो अभ्यारण्य नैन के अंदर बन रहा है वो जल्दी से पूरा हो करके सड़कों पर जो बेसहारा गोवंश जिनको तस्कर निशाना बनाते हैं उनको आसरा मिलना चाहिए। ऐसी हम सब गोरक्षा दल के जो सदस्य हैं और दूसरे संगठन हैं मांग रहता है। देखिए पानीपत में जो काउ स्टाफ है वो पूरा सहयोग करते हैं, हर समय वो घायल गायें का भी सहयोग करते हैं, तो पानीपत जो पुलिस प्रशासन है पूरा सहयोग रहता है। लेकिन देखिए आप ये पंजाब से इतने नाक के पार करके आया, क्या कहीं भी पुलिस की नज़र नहीं पड़ी? तो बाकी पुलिस क्या कर रही है? तो पानीपत पुलिस को भी सतर्क होना चाहिए और बाकी जो इतने नाके लगे हैं पीछे की जो पुलिस प्रशासन है, चाहे करनाल का है, चाहे अम्बाड़ा का है, कुरुक्षेत्र का, सबको ध्यान करना चाहिए। इसमें पुलिस की मौजूदगी में फायरिंग हुई? नहीं, उस समय प्रदीप जी पे जो फायरिंग हुई है, दो गो तस्कर थे, एक पकड़ लिया गया है, तो प्रदीप जी जो गाड़ी का पीछा कर रहे थे गोरक्षा दल के भाई हमारे, उन पे फायरिंग हुई है और एक तस्कर भी भाग गया। पत्थर मारे गाली।